तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेने वाला हूँ आप लोगों का कट डाउन टेस्ट। मैंने जितना भी आप लोगों को पढ़ाया अपने 10 के 10 वीडियो में एनी बडी क्वेश्चन, दोस्तों आपको आज दूंगा मैं 12 क्वेश्चन को आप लोग अगर 12 में से 12 जवाब देते हैं मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, आपने मेरी सारी वीडियो देखी, उसके अलावा आपकी तैयारी अच्छी है और आपका 70 पार स्कोर जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आपका कट डाउन टेस्ट। आपको मिलेगी दोस्तों ओनली 5 सेकेंड और 5 सेकेंड में आपको आंसर देनी है इसकी। अगर आप इसका आंसर दे देते हैं 5 सेकेंड के अंदर में तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है। बस यहाँ कट डाउन टाइम चलेगी, आपको नीचे देख लेनी है। अगर आपको 12 में से 12 आती है या फिर 12 में से 10, 8, 9, 7, 5, 6, 4 जितना भी आती है आप कॉमेंट कर मुझे बता सकते हैं, नीचे कॉमेंट बस खुला हुआ है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। ये दोस्तों रहा पहला क्वेश्चन, बीमर शब्द का संबंध किस खेल के साथ में, जिसका जवाब दीजिए। मिलती है वाली है 5 सेकेंड आपको। चलिए दोस्तों टाइम्स अप। दोस्तों ये बता दूं इसका आंसर क्रिकेट होगा। बीमर शब्द का संबंध क्रिकेट के साथ में है। ठीक है, ये सुनने तो अटपटा है लेकिन इसका आंसर यही क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों यहाँ आ गई नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मिलती है वाली 5 सेकेंड। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? ए डेरियस, बी साइरिस, सी सुकरात, डी अरस्तु। मिलती है 5 सेकेंड आपको। टाइम साहब दोस्तों यहाँ खत्म हो चुकी है समय। सिकंदर महान का शिक्षक दोस्तों अरस्तु था। ठीक है दोस्तों यहाँ आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ए वेलेंटिना टेरेस्कोवा, बी एडवर्ड एट हाइट, सी यूरी गागरिन, डी एलेन सेपेट। मिलती है आपको 5 सेकेंड। तो टाइम्स अप, यहाँ से जो समय खत्म हो चुकी है दोस्तों आपको जाएगी यूरी गागरिन। ठीक है, यूरी गागरिन जो थे अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे और वो 1969 में गए थे। चलिए दोस्तों यहाँ पाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए सुभाष चंद्र बोस, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी जे बी कृपलानी, डी बंगा तिलक। मिलती है 5 सेकेंड। टाइम साहब दोस्तों यहाँ से के समय खत्म, आंसर जे बी कृपलानी। दोस्तों बता दूं ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले से। मैंने 10 वीडियो बनाया था जीके के ऊपर है पटना यूनिवर्सिटी वालों के लिए, शायद उन लोगों को पता होगा। चलो दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? ए डूरंट रेखा, बी रेड क्लिफ रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। मिलती है 5 सेकेंड। समय है खत्म दोस्तों, बता दूं इसका आंसर आपको रेड क्लिफ होगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। दोस्तों ये आ रही नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ए कल्पना चावला, बी कमला मुखर्जी, सी संतोष यादव, डी सुंदरा विलियम। मिलती है आपको 5 सेकेंड। समय खत्म दोस्तों, आंसर देगा ए कल्पना चावला। दोस्तों यहाँ चुके नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे? ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। मिलती है 5 सेकेंड आपको। समय दोस्तों खत्म हो चुकी है, यहाँ आंसर आइए कनिष्क चाहिए। ठीक है, चरक जो थे कनिष्क काल में सबसे दरबे प्रसिद्ध चिकित्सक थे। दोस्तों आ चुके यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया? सबसे बड़ी कौन सी टाइगर रिजर्व है? ए नागार्जुन, बी मानस, सी पेंस, डी कॉर्बेट। 9 सेकेंड। समय दोस्तों हो चुकी है खत्म, दोस्तों जाइए कॉर्बेट के साथ में। ठीक है, जिम कॉर्बेट जो है सबसे, आप लोग कमेंट कर मुझे बताइए कि जिम कॉर्बेट किस राज्य में स्थित है भारत में, कमेंट कर मुझे बताइएगा। दोस्तों यहाँ चुके नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर की, यहाँ पर अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इस बार पटना वोमेंस कॉलेज पूछी भी गई थी ये बी एंट्री एग्जाम में, तो आप जवाब दीजिए सही सही इसका। क जवाहरलाल नेहरू, ख महात्मा गांधी, डी सी कौटिल्य, घ कार्ल मार्क्स। 5 सेकेंड। टाइम साफ दोस्तों यहाँ से समय खत्म हो चुकी है, आंसर आ जाएगी आपको सी के साथ में, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के लेखक थे। कौटिल्य का एक नाम और है चाणक्य, या फिर आप उसे बोल सकते हैं विष्णुगुप्त। दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के सर्वोच्च हिमालय शिखर कौन सी है? ए कंचनजंगा, बी गॉर्विनस्टून, सी नंदा देवी, डी नंगा पर्वत। देखते कितना आंसर देते हैं बच्चे, मिल रही है 5 सेकेंड आपको। समय तो सोचो ये खत्म, यहाँ पर बता दूं इसका आंसर आपको ए जाएगा, कंचनजंगा भारत के सर्वोच्च हिमालय शिखर है।
दोस्तों अब आपको आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से किसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है? बहुत ही आसान आंसर है, ए एस सी एल, बी एच टू एस ओ फोर, डी सी के एन ओ थ्री, डी एन ओ थ्री। मिलती है 5 सेकेंड, समय खुशी खत्म। यहाँ पर आ जाएगी आंसर एच टू एस ओ फोर के साथ में, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। तो यहाँ चुके नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल का मूल नाम क्या था? ए महेश दास, बी मोहनदास, सी सिद्धार्थ या डी रामतनु। मिलती है 5 सेकेंड आपको, समय तो सोचिए खत्म। यहाँ पर ए जाएगी इसका आंसर, ए मूल नाम था। दोस्तों यहाँ चुके नेक्स्ट क्वेश्चन काफी छोटा सा प्यारा सा आप लोगों के लिए, गाय किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी भारत, डी भूटान। मिलती है 5 सेकेंड आपको, समय दोस्तों हो चुके खत्म। दोस्तों बताओ गाय जो है नेपाल की राष्ट्रीय पशु है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ चुके समय खत्म, आपको सबके सब यहाँ पर आंसर हो चुकी है। मैंने कुल मिलाकर आपको 12 प्लस एक क्वेश्चन करवाया है। अगर आपको इसमें 12 में 12 नंबर आई है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। जिनको 12 में 12 आएगी उनका कमेंट पिन रहेगा सबसे ऊपर में, सबसे पहले कमेंट करते हैं उनका। और दोस्तों अगर 12 में 10, 8, 100, 6 जितना भी नंबर है कमेंट कीजिए दोस्तों। आज के वीडियो खत्म करते हैं, फिर लाते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी। मिलते हैं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।